नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राधे भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट। खबर दतिया जिले से है, जहां दतिया अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में अध्यापक संघ आमरण अनशन पर बैठ चुका है। जानकारी के अनुसार पिछले एक साल से अध्यापकों का एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ना ही संकुल केंद्र द्वारा जानकारी ऊपर भेजी जा रही है। तमाम समस्याओं को लेकर के अध्यापक संघ सेवड़प में बैठा हुआ है, आमरण अनशन पर बैठ चुका है और यह आंदोलन लगातार जारी है। अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव कई बार इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, वहीं सेवड़ा SDM को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए जानते हैं प्रदीप प्रदर्शन पर बैठना पड़ा, इसके पीछे मूल दोषी संकुल केंद्र प्रथम दृष्टया दोषी है, क्योंकि हम लोगों को जो मई 2018 में प्रथम किस्त एरियर की मिलनी थी वो आज दिनांक तक हमको नहीं मिली है। संकुल केंद्रों से 5 वर्गों का फिक्सेशन होकर जिला पंचायत अनुमोदन करती थी, जिसके बाद एरियर जो है हम लोगों का मिलना था, लेकिन हमारी सर्वे पेंडिंग डली हुई है, संकुल केंद्रों पर डली हुई है, कुछ जिला पंचायत पहुंची हैं तो जिला पंचायत में पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ना संकुल केंद्रों के द्वारा रुचि दिखाई जा रही है ना जिला पंचायत में कोई रुचि दिखाई जा रही है फिक्सेशन के लिए। तो पहली हमारी एरियर भुगतान की मांग है। दूसरी, आप देख रहे हैं जैसे 12 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण हमारे कुछ अध्यापक साथी जो कर चुके हैं उनकी क्रमोन्नति लगनी थी, लेकिन आज दिनांक तक उनके क्रमोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए। तीसरी, ट्रेजरी में बिल 8-8 दिन हमारे मासिक वेतन के पड़े रहते हैं और जिन लोगों के एरियर बिल लग भी गए हैं कुछ लोगों के, तो वो 15-15 दिन ट्रेजरी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका ट्रेजरी बाबू के द्वारा हमें उनके जो मानसिकता है वो ठीक नहीं लग रही है। चौथी मांग हमारी अंशदायी कटोत्रा पासबुक संधारण की है, कि जो अंशदायी पेंशन हम लोगों की कट रही है उसकी पासबुक संधारण करी है। पांचवी हमारी जो मांग है वो जुलाई 2018 से दिसंबर तक का जो DA 6% पेंडिंग डला है उसका भुगतान कराया जाए। छठवीं मांग है जो सातवें वेतनमान के आदेश हम लोगों के जारी होने हैं वो जारी कराए जाएँ। सातवीं, जो हमारे जिले भर में संविलियन के कुछ प्रकरण अटके हुए हैं उनके अभी भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उनके आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो हमारी ये 7 प्रमुख मांगे हैं कि हमारी इन मांगों को किया जाए, नहीं हम अनिश्चितकालीन धरना को आमरण अनशन के रूप में बदलेंगे और हम सभी साथी जब इस स्थल से उठेंगे जब तक हम साथियों की मांग पूरी ना करें। हमसे संकुल से लेकर जिला तक SDM महोदय कलेक्टर महोदय को हम विभिन्न विभिन्न डेटों में ज्ञापन दे चुके हैं, ध्यान आकर्षण करा चुके हैं, साल भर से हम ज्ञापन देते देते परेशान हो गए, तो हम लोग इतने मानसिक तनाव डिप्रेशन में आ गए हैं कि हमें इस टेम्परेचर का कोई असर नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने आर पार की लड़ाई आज तो टेम्परेचर 50 पार कर जाए तो हमें सामान की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा।